शनिवार को चूरू जिला मुख्यालय पहुंचने पर विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा व मसूदा विधायक राकेश पारीक का भव्य अभिनंदन किया गया। सर्किट हाउस में शिवम आर्थो हॉस्पिटल के संचालक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर महेश शर्मा, मुस्ताक खान, पूर्व सभापति और वरिष्ठ कल्याण बोर्ड के सदस्य गोविंद महसरिया, राधेश्याम चोटिया, रियाजत खान, उमाशंकर शर्मा, जमील चौहान, अंजनी शर्मा, मुकेश ढंड, असलम सोलंकी, सुनील शर्मा, अक्रम सोलंकी, उमर बटगुर्जर, ज्योति सिंह सहित बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि विप्र समाज के लोगों के उत्थान के लिए बोर्ड सरकार व समाज के बीच सेतु का काम करेगा। उन्होंने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को निखारने के प्रयास किए जाएंगे तथा जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। समाज के लोगों के कल्याण के लिए ये बोर्ड समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम करेगा। हम बोर्ड के माध्यम से जो समाज के बच्चे हैं, योग्य हैं, परंतु उनको किसी चीज़ का अभाव है, वो अभाव दूर करने की कोशिश करेंगे। हम इस बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। जो बच्चे योग्य हैं परंतु उनको कोई अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी, बच्चों को छात्रवृत्ति की फैसिलिटी, ये हम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करके उनको आगे बढ़ाने का काम बोर्ड करेगा। ऐसे हम रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में कल ही आपने एक देखा होगा कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि कल हमने EWS की जो वैधता है वो OBC की तरह 3 वर्ष की कर दी, और उसमें भी एक हर प्रत्येक वर्ष एक अपना सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट देना है। तो इससे हमारे बहुत लाखों की तादाद में बच्चे जो रीट के फार्म भरने थे 10 में या आखिरी थी, उन बच्चों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये बोर्ड के द्वारा ये संभव हो पाए, ऐसे हम हमारे गुरुकुल की व्यवस्था को, गुरुकुल की पद्धति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम कुछ सामाजिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सामूहिक विवाह समारोह को, सामूहिक यज्ञ संस्कारों को, ये सब बोर्ड के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। कुछ राजस्थान के अंदर विभिन्न जिलों में गए तो पुजारियों की समस्याएं आ रही हैं, पंडितों की समस्याएं आ रही हैं, उन सब समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। सरकार जो भी अच्छे महापुरुषों की जयंतियों को लेकर के हमेशा कार्य करती रही है, और अब इस विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम आदि शंकराचार्य की जयंती को संगोष्ठियाँ आदि कराएंगे, जिससे बच्चों को उनकी जीवन के बारे में विकास डाल सके, उनके बारे में अवगत करा सके। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार अन्य समाज के बच्चों के लिए सरकार ने छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई है, उसी प्रकार विप्र समाज के जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रदेश भर में छात्रावास बनवाए जाने की प्लानिंग भी की जा रही है। बच्चे अपने शहर से, गांव से, कस्बे से दूर उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन करने जाते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि रहने की, हॉस्टल की, क्योंकि और कई कैटेगरी के लिए हॉस्टल्स हैं परंतु विप्र समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल्स नहीं है, और वो कई बार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है आगे बढ़ने के लिए। तो हम अपनी तरफ से एक प्रस्ताव बोर्ड हॉस्टल बनाने के लिए भी देखा, जिसमें वो परंतु क्योंकि उसमें दीर्घकालिक प्रोसेस है, 1.5 साल का टाइम लगेगा, तब तक हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, राजस्थान सरकार को ऐसी एक योजना बना के बोर्ड दे रहा है कि उनको वो प्राइवेट हॉस्टल में कहीं प्राइवेट रूप से रह सके, तो उनको एक निर्धारित राशि हम DBT वाउचर के रूप में उनको दे करके उनको संबल प्रदान करें।